जवाब होगा क्योंकि उससे लोगों का कल्याण हो सके। लेकिन इस बात में शायद किसी को कोई शक नहीं है कि ऐसी योजनाएं जिनकी शुरुआत गरीबों के लिए की गई, उन्हीं योजनाओं से सरकारी अधिकारी बिचौली अपनी जेबें भरने में जुटे हैं। जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए उनमें से कुछ को ही इसका फायदा मिल पाता है। सवाल आखिर ऐसा क्यों है? हमारी व्यवस्थाओं को आखिर कैसा रोग लग गया है? और कोई क्यों योजना बगैर भ्रष्टाचार के सही ढंग से चल नहीं पा रहा? सवाल गंभीर है लेकिन इनका जवाब ढूंढना भी बेहद जरूरी है। जी उत्तर प्रदेश आपके इन्हीं सवालों को आज उठाने की कोशिश कर रहा है और हम बन गए हैं इस मामले पर, बेहद ही गंभीर मामले पर, आपकी आवाज। तो कहते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको लेकर सियासत गरमाती है, पैकेजेस वितरित किए जाते हैं लेकिन गरीबी रेखा से नीचे जो जी रहे हैं उन परिवारों तक वो लाभ नहीं पहुंचता। इन परिवारों को सस्ती दरों पर अनाज मिले इसके लिए पीडीएस सिस्टम भी लागू किया गया है लेकिन इस योजना की हकीकत ही कुछ और है। कालाबाजारी, घूसखोरी, खराब अनाज का वितरण और राशन कार्ड नहीं बन पाना, अक्सर इन्हीं कारण के कारण पीडीएस सिस्टम सुर्खियों में है। इसकी हकीकत पता करने की कोशिश जब जी मीडिया की टीम ने की तो सरकारी व्यवस्थाएं तार तार मिली, कार्यप्रणाली बेपर्दा हो गई। भ्रष्टाचार के दीमक ने वैसे तो सभी सरकारी दफ्तरों को अपना निशाना बनाया है लेकिन सबसे ज्यादा खोखला उन योजनाओं को ही कर रखा है जिसके जरिए गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद की जाती है। ऐसी ही एक योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भ्रष्टाचार के दीमक ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया है। जी उत्तर प्रदेश ने जब प्रदेश के अलग अलग शहरों और कस्बों में पीडीएस सिस्टम की पड़ताल की तो कोई चौंकाने वाला नहीं बल्कि जो परंपरा सरकारी अफसरों और काला बाजारी करने वालों द्वारा चलाई जा रही है उसी की सच्चाई एक बार फिर सामने आ गई। प्रदेश की राजधानी होने के नाते और वीवीआईपी लोगों के यहाँ हर वक्त रहने के बावजूद लखनऊ में सरकारी राशन के वितरण का बुरा हाल है। जब जी यूपी की टीम ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के दफ्तर का जायजा लिया तो वो वहाँ से नदारद थे। एक दो कर्मचारी कुछ कामकाज में लगे जरूर थे लेकिन यहाँ आए लोगों में कोई राशन लेने के लिए भटक रहा था तो कोई राशन कार्ड का रिन्यूअल कराने के लिए गिरापुर कार्यालय दौड़ते हैं, गाल टोली नहीं कोई सुन रहा है। दुकानदार दे तब तो ले, वो करा ही नहीं, हमारे पास आया ही नहीं। कॉल आता सही लेकिन हम लोग राशन जो फार्म जो भरे जाते हैं वो फार्म अभी मिले नहीं है। लाखों का फार्म जो है राशन दफ्तरों में पड़े हैं जो गड्ढे की तरह रखे हैं जिसपे गर्दा पड़ रही है लेकिन गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है। सोचिए जब लखनऊ का ये हाल है तो प्रदेश के छोटे शहरों और कस्बों में पीडीएस सिस्टम का क्या हाल होगा। इसके बाद जी यूपी की टीम ने जायजा लिया कानपुर का। वैसे तो शुक्रवार का दिन सरकारी सस्ते दुकानों के लिए विशेष वितरण दिन के रूप में जाना जाता है लेकिन इस दिन भी कानपुर में अधिकतर पीडीएस की दुकानें बंद ही नजर आईं। इतना ही नहीं, कानपुर में अगर आपको नया राशन कार्ड बनवाना है तो आपको नाको चने चबाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ अधिकारी जनता को बगैर दौड़ धूप कराए नया राशन कार्ड बनाने को तैयार नहीं होते। फार्म भरने की प्रणाली है, इसमें समय बढ़ा जाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनका फार्म में नाम ही नहीं है, तो ये हैं सुविधाएं जनता को मिले। अभी हमारा बता रहे अभी आए ही नहीं है, जाते उनके पास बताते आए ही नहीं। अभी हमें 2 तारीख और 21 तारीख को मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। अगर आपने नहीं उठा पाया उसके बाद नहीं मिलेगा आपको। कभी जाओ तो फॉर्म नहीं है, फॉर्म है तो फॉर्म कंप्लीट करके ले जाइए उनके पास, तो कुछ न कुछ कमी निकाल देते हैं उसमें। अभी तक आपने लापरवाही और बद इंतजामी का नजारा देखा लेकिन बस्ती में जो लापरवाही हो रही है वो गरीबों के सेहत से हो रहे खिलवाड़ से कम नहीं है। बस्ती में जो चावल पीडीएस के जरिए बांटे जा रहे हैं वो इंसानों तो क्या, जानवरों तक के खाने लायक भी नहीं है। कम से कम केंद्र की एक रिपोर्ट तो यही कह रही है। सरकारी गोदामों में जो अनाज है वो 7% से ज्यादा डैमेज है जबकि केंद्र सरकार का मानक 3 से 4% है। रिसर्च के मुताबिक 5% से ज्यादा डैमेज अनाज खाने लायक नहीं होता। बावजूद इसके बस्ती में खराब अनाज भी
पीडीएस के जरिए बांटा जा रहा है। जी यूपी के रियलिटी चेक में एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई है कि सरकारी राशन के वितरण की व्यवस्था में घुन लग चुका है और इस घुन को साफ करने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। बस्ती से राघवेंद्र सिंह, कानपुर से आर्यन अग्रवाल और लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया। तो इस मुद्दे पर दर्शक भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, आपकी समस्याओं को अपने एक मजबूत मंच पर लेकर आ रहे हैं। आप हमारे माध्यम से इस पर अपनी राय और समस्या का हल कैसे हो, किस तरीके की समस्या से आप भी जूझ रहे हैं, ये सरकार सियासतदान तक पहुंचा सकते हैं। आपको करना ही होगा कि जो टेलीविजन स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं 1800-180-152-5 ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कॉल करेंगे पैसा नहीं लगेगा। दूसरा नंबर 0120-251-1063 इस पर आप कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा अपने दर्शकों को बता दें कि लखनऊ से हमारे साथ खास मेहमान है, पूर्व अधिकारी है, पूर्व आईएएस है, हरीशचंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरीशचंद्र जी स्वागत है आपका। हम पीडीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम इसमें जो कालाबाजारी, घूसखोरी, जो धांधली हो रही उसकी बात करें, समस्या का हल कैसे निकले और ये समस्या इतनी बढ़ी कैसे? इनकी आवाज कट रही है। हरीशन जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? आधी आपकी आवाज सुनाई दी, आधी नहीं सुनाई। इस मुद्दे पर आप अपनी राय क्या रखना चाहेंगे, क्यों समस्या? समस्या देखिए, सारी समस्या राजनीतिक समस्या है। जब भ्रष्टाचार का आरोप, जब भ्रष्टाचार राज्य से लेकर गांव के स्तर से पीडीएस तक है तो इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। जब जिला आपूर्ति अधिकारी घूस देकर अच्छी अच्छी जगहों पर अपनी पोस्टिंग कराते हैं, जब वो देते हैं तो उसी जो पीडीएस सिस्टम से जो अनाज आता है उससे उनकी हिस्सेदारी होती है, फिर इंस्पेक्टर लेता है। इस तरह से गोरख धंधा इतना फैला हुआ है कि जब तक इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। और मैं समझता हूं कि इस भ्रष्टाचार का स्रोत असेंबली है, पार्लियामेंट है और राजनीति है। जब तक राजनीति साफ सुथरी नहीं होगी तब तक इसको रोका जाना संभव नहीं है। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं। पंकज साहब, पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, शामली के कॉलर हैं। पंकज, आपने राशन कार्ड बनाया होगा या पीडीएस सिस्टम से आप वाकिफ होंगे, कैसा आपके क्षेत्र का हाल है और आप अपने अनुभव भी हमसे बांट सकते हैं? यहाँ पर तो है तो ठीक से ही, कभी मिलता है कभी नहीं। लोगों को, दुकानदारों के फर्जी कार्ड बहुत है, दुकानदारों ने फर्जी कार्ड से बहुत बना रखे है। दुनिया भर के कार्ड फर्जी कार्ड बनाते हैं, ओरिजिनल कार्ड नहीं बने हुए और किसी की कोई शिकायत नहीं पे होती, नहीं कि दुकान सस्पेंड हो भी जाती है तो कोई मन शिकायत करता है तो दो चार महीने बाद फिर शुरू हो जाती है दुकान में। ठीक, धन्यवाद हमारे साथ अपनी राय रखने के लिए। सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े हैं बिजनौर से। सिद्दीकी साहब, पीडीएस सिस्टम सुर्खियों में रहा है, वजह है कि इसमें जो धांधली हो रही है, घूसखोरी हो रही है, ये मुद्दा क्योंकि आपसे जुड़ा है, आम आदमी से जुड़ा है, वो हम उठा रहे हैं, आप अपने अनुभव हमसे बांट सकते हैं। हेलो जी, हम ये जो आपका देख रहे हैं, ये जो दिखा रहे हैं आप सरकारी गल्ले वाला, ये इसके लिए हम बताना चाहते हैं, यहाँ डीएसओ को भी संभालो में यहाँ किसी भी गरीब आदमी को नहीं मिल पा रहा है और अधिकारी खुद देख रहे हैं और ये सारा अनाज मिलों में जा रहा है, जो मिल है यहाँ पर आटा मिल। कहाँ पर जा रहा है अनाज? ये यहीं पर। तो आपने शिकायत करी? हाँ, इसको शिकायत डीएसओ से भी कई बार करी, एसडीएम से भी करी, एसडीएम को भी जानते हैं कि कहाँ जाता है सब ये माल। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए और अपने क्षेत्र का हाल बताने के लिए। तो पीडीएस सिस्टम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, इस सिस्टम में सुधार किया कैसे जा सकता है, इस पर कानपुर के लोगों की राय सुन लेते हैं, उनकी आवाज सुन लेते हैं। जो आम आदमी की जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो सब ब्लैक में खरीदते हैं, जैसे मिट्टी का तेल है, ये कभी भी राशन कार्ड के पीडीएस सिस्टम से राशन की दुकान पे नहीं मिलता। दूसरी बात यह है कि जो पीडीएस सिस्टम में जो ग्रेन्स की पोजीशन है वो बहुत पुअर क्वालिटी है और उस हिसाब से कोई भी पीडीएस सिस्टम में एक आम आदमी वहां लेना पसंद नहीं करता। अधिकारी से लेकर के कोटेदार तक सब उसमें घूस लेने की प्रक्रिया है, जिसके कारण उनको भी कुछ लेना देना पड़ता है। पूरे महीने का ही राशन
किसी जनता को नहीं दिया जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, और उसको बोला जाता है कि इसमें आया ही नहीं या कुछ एक्सक्यूज बना दिया जाता है, तो कंप्लीट कोटे को ही लैप्स कर देते हैं। कई बार अच्छी क्वालिटी का राशन अगर अवेलेबल हुआ है तो उसको रिप्लेस कर लेते हैं लोअर क्वालिटी से, और जिसका मार्जिन वो ले लेते हैं। तो ये वो हाल है जब सुप्रीम कोर्ट सड़े हुए अनाज और जो बच रहा है अनाज जो सरप्लस, उस पर सख्ती अपनी दिखा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश का अनाज बर्बाद नहीं होना चाहिए, वो गरीबों तक उपलब्ध कराना चाहिए। लेकिन असली हकीकत पीडीएस सिस्टम में, उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर कितना भ्रष्टाचार धांधली है ये तमाम कॉलर्स भी हमें बता रहे हैं। ऐसी कड़ी में हम कानपुर की बात कर लेते हैं। अंकित हमारे साथ दर्शक जुड़ गए। अंकित, आप अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। हेलो जी। जी यहाँ पे इन्होंने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है। ये हमारे यहाँ इधर हमारे कानपुर में बद्रा क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पे इन्होंने कार्ड बनाने के नाम पे बड़ा ही मतलब बेकार काम कर रखा है। इसमें अगर आप इस संबंध में कुछ करना चाहें तो मतलब आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब सरकार का बिल्कुल ही बुरा हाल है। केवल और केवल सफाई के बारे में सोचा। क्या आपने शिकायत करी? अगर बर्रा की बात करूँ, वो वैसे ही एक ऐसा इलाका है जहाँ पर वैसे ही कानून व्यवस्था तार-तार रहती है, लेकिन क्या आपने शिकायत करी इस बाबत जब आप राशन कार्ड बनाने गए थे या पीडीएस सिस्टम की सुविधा लेने गए थे? अब मैडम जी ऐसा होता ना कि बहुत काम होते हैं, फिर शिकायत करो, फिर उसके बारे में सोचो, फिर समझो, और सबके चक्कर में छोड़ देते हैं सभी लोग छोड़ देते हैं। हम क्या बिल्कुल कौन इस पे फंसे, और जिससे उम्मीदें हैं वो कार्रवाई नहीं करता है। चलिए लखनऊ चलते हैं। हरीशन जी, आप सुन रहे होंगे कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उनके क्या अनुभव हैं। बेहद ही दुखद अनुभव है। सवाल यह कि जब लोग अपनी राशन कार्ड और एक ऐसी सुविधा लेने जा रहे हैं जो उनका अधिकार है, उसमें भी धांधली होती है, उनको लोअर क्वालिटी का अनाज दे दिया जाता है जो बहुत ही घटिया होता है, सेहत पर भी कहीं ना कहीं बनाती है, तो ऐसे में लोग शिकायत किससे करें? और क्या कोई एक ऐसी अथॉरिटी है जो उनकी समस्या का निराकरण करे? जो उनका अधिकार है वो ही नहीं उन्हें मिल रहा है। देखिए, इसमें बड़ी वीसीएस सर्किल है, ये पूरा सरकार के मंत्रियों से लेकर के रैकेट पूरे पीडीएस तक जुड़ा हुआ है। ये मैंने देखा है कि एक तो गांव के स्तर पर गरीब लोगों को राशन कार्ड बनता नहीं या बीपीएल के कार्ड बनते नहीं, दबंग लोग अपने जो पैसे के और प्रभाव के जोर में अपना कार्ड बनवा लेते हैं, तो पहले धांधली तो ये होती है। दूसरी ये होती है कि जो कोटेदार है वो भी हर स्तर पर जब जाता है गोदाम से गल्ला ले लें तो वहां देना पड़ता है, तौली होती है जी। इसके अलावा उसको इंस्पेक्टर को देता है, इंस्पेक्टर वो डीएसओ साहब को देता है, डीएसओ साहब अपनी पोस्टिंग कराते हैं तो मंत्री जी को देते हैं। आप कल्पना कर सकती हैं कि उत्तर प्रदेश में मंत्री जी ये बयान देते हैं, राजेंद्र चौधरी जी ने बयान दिया था कि हमारे विभाग में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार ही है ऊपर से लेके। मैं तो समझता हूं कि ऐसे मंत्री को एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है जो अपने विभाग में जो भ्रष्टाचार हो रहा है या गल्ले की लूट खसोट हो रही है उसको रोकने में। मेरा सवाल वो ही रहता है कि कंट्रोल कैसे किया जाए, कंप्लेंट रिड्रेसल कौन करे, क्या वहां पर भी कोई आम आदमी की पार्टी कोई खड़ी हो, कोई लोग एक्टिव हो जाए, कोई आंदोलन छेड़े, तभी हल होगा। देखिए, ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। देखिए, वो किसको, जैसे आपने सुना होगा जो भुक्तभोगी हैं वो डीएम साहब को करते हैं, डीएम साहब एसडीएम साहब को बताते हैं और कोई कहीं सुनवाई नहीं होती, सबकी इसमें साझेदारी, इस लूट खसोट में साझेदारी होती है या दबंग लोगों का, राजनीतिक लोगों का कब्जा होता है। तो मेरी समझ में तो आता है कि फिर से आंदोलन खड़ा होना चाहिए, फिर से आम आदमी क्या दूसरी गरीब अपने अधिकार के लिए वंचित है और उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो कंप्लेन का रिड्रेसल नहीं है। डीएम से लेकर सियासतदान भ्रष्टाचार की बात करते, निराकरण की बात करते, लेकिन नतीजा सिफर रहता है। आम आदमी तक उसका अधिकार यानी कि एक अच्छा खाना, एक अच्छी गुणवत्ता वाला खाना वो पहुंच ही नहीं पाता है क्योंकि पीडीएस सिस्टम में जगह जगह धांधली होती है। मोदी नगर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनके क्षेत्र का भी हाल जान लेते, उनकी आवाज सुन लेते हैं। राहुल, क्या है मोदी नगर का हाल? वहां पर पीडीएस सिस्टम दुरुस्त है कि वहां पर भी गड़बड़ी है? राशन कार्ड बनवाया होगा आपने, कितने चक्कर काटने पड़े? पूरी तरह से डैमेज सिस्टम है, और सरकार जितने भी कार्य करती है कि सुधारने के लिए उससे पहले ही बड़े जो अधिकारी हैं वो
चोरी करने के रास्ते ढूंढ लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अब इन्होंने कंप्यूटराइज कार्ड बन रहे हैं, तो इन्होंने क्या करा है, जितने भी मतलब जो वाकई में पात्र हैं जिन्हें राशन कार्ड राशन चाहिए उन सबके तो काट दिए, और जो ऑलरेडी लैंड लोड हैं जो कभी राशन की दुकान पे जाएंगे नहीं उनके सबने अंडर द पॉवर्टी लाइन वाले बना दिए हैं। ठीक हाँ। दूसरा ये होता है जैसे सपोज कीजिए कि मैं लगातार किसी कारणवश पहली बात तो कोई ढुलिया नहीं होती, कोई भी सूचना पहले नहीं दी जाती कि राशन बटेगा आज। अच्छा राहुल, कोई भी ईमानदार अधिकारी आपको दिखा जो चाहता हो कि आम आदमी का अधिकार उस तक पहुंचे? मैं आपको बताता हूँ, अलग सर्विस में आने से पहले फिलहाल तो मैं एक टीचर हूँ और जब मेरी जॉब नहीं लगी थी मैंने सारे डीएम तो अभी 70 एप्लीकेशन लगाई। हाँ। जांच होती है, जांच में फिर घोटाला होता है, जांच करने जो अधिकारी आता है वहाँ से उसे भी पैसे खिला दिए जाते हैं और जांच की रिपोर्ट सत्य बनाकर वापस कर दी जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ऊपर से ये पूरा स्थिति बेकाबू की जा रही है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हम एक छोटे से अंतराल का वक्त है, लेकिन जाते जाते मेरठ वासियों की राय, मेरठ के लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग किस तरीके से पीडीएस सिस्टम में गड़बड़ी से जूझ रहे हैं उनके अनुभव आप तक पहुंचाते हैं। राशन उस उपभोक्ताओं को देने के बजाय वो जो है उसका ब्लैक करते हैं। सरकारी राशन में तो बहुत भ्रष्टाचार है, टाइम पर नागरिकों को गरीबों को नहीं मिल अनाज भी और चीनी भी और तेल मिट्टी का तेल है ये उपलब्ध नहीं हो पाता, और जी कोई तारीख तय नहीं है कि कभी भी किसी किसी टाइम में कभी भी बांट देते हैं। ना तो राशन कार्ड बनते, बिना पैसे दिए तो राशन कार्ड ही नहीं बना के देते कोई, और दूसरी बात जिन लोगों को चाहिए उन लोगों को तो मिलता ही नहीं, हम अगर मिट्टी का तेल लेने जाए तो कभी नहीं मिलेगा, और सारा ब्लैक कर देते हैं, अगले दिन ही नोटिस लगा देंगे बोर्ड पे कि आज मिट्टी का तेल नहीं है, खत्म हो गया है जी। कि जो राशन कार्ड इशू किए जाते हैं उसमें से केवल 10% लोग ही इसका फायदा उठा पाते, 90% लोग राशन नहीं ले पाते। तो सरकारी राशन गवर्नमेंट की जो सप्लाई करते हैं इसमें बहुत ही भ्रष्टाचार नजर आता है, क्योंकि आए दिन कभी भी महीने में एक बार वितरण होता है, वो भी कोई तय नहीं होता होगा कब होगा कब नहीं होगा, जब होता है तो कभी पता नहीं चलता, कोई अनाउंसमेंट तो होती है ना, कोई नोटिस होता है इन लोगों का। प्रायोजक है पर्ल इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। मुजफ्फरनगर के राहत कैंप को कब्रिस्तान पर ही बसा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, किस वजह से परेशानी उठानी पड़ रही बहुत ज्यादा। हमारा दर्द जानो, हमारे अंदर कितना दर्द भर रहा। वोटरों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं। हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने जो जो वादे किए वो पूरे किए। वही बनाएंगे, कहां वादा पूरा किया आपने? भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। Are you having an affair? Start a road affair, MRF ZLO, for confidence at high speeds. अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग, देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। खेल का रोमांच, बाजार की हलचल, आम आदमी की आवाज, रुपहले पर्दे की चमक, देश विदेश के हालात, देखिए अपडेट एट 9 रोज रात 9 बजे। हम आपकी आवाज लेकर
आए हैं और आपकी आवाज में इस बार हम बात कर रहे हैं पीडीएस सिस्टम में जो गड़बड़ी हो रही है, सरकारी योजनाओं का लाभ आपको क्यों नहीं मिल रहा है, बीपीएल की बात की जाती है, तमाम पैकेजेस की बात की जाती है, चुनावी मौसम है, ऐसे में ये सियासतदान आपके पास आएंगे तो आपके पास कैसी आवाज होगी, मजबूत होगी, बुलंद होगी, ठोस होगी पीडीएस सिस्टम के खिलाफ, उसके बारे में हम जान रहे हैं। हमारे साथ आगरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हम मेरठ की भी बात करते हैं, अब आगरा की बात कर लेते हैं। आगरा से राकेश साहब हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, कितनी दिक्कत आती है पीडीएस सिस्टम की सुविधाओं को अवेल करने में? राकेश, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, वो क्या बोलते हैं, इधर 1.5-2 साल से मिल ही नहीं रहा है, बेचते थे। हाँ, मतलब आप कहाँ गए थे और क्यों नहीं मिल पा रहा आपको लाभ? पूछते तो कहता मिलते ही नहीं, मिलता ही नहीं, बोलते नहीं मिल रहा इधर। नहीं तो सस्ता अनाज क्यों नहीं मिला, उन्होंने कोई कारण बताया होगा? उधर जाके देखते तो बोरे बहुत बोरे रखे रहते, कोई बोलते मिल रहा नहीं, और पहले मिला तो चावल मिले, फिर दिया ही नहीं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरिशन जी हमारे साथ मौजूद है, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो इतना लाभ सरकार की, अच्छा अनाज गरीबों को मिले, जो उनका एक वोट बैंक भी कह सकते हैं चुनावी मौसम में, ये जो पैसा है और जो ये अनाज है, जाता कहाँ है अगर गरीबों तक नहीं जा पा रहा तो? देखिए, सारा अनाज या तो दबंग लोग ले जाते हैं या दूसरे खुले बाजार में बेचा जाता है। ये सब चोर मौसेरे भाई हैं और सबकी मिली भगत से होता है। जब बेढ़ी बाढ़ी फसल खा जाएगी तो उसकी रक्षा कौन करेगा, वही हालत है। सरकार जब नाम की चीज कोई है नहीं, जब मंत्री कहता हो कि चारों तरफ भ्रष्टाचार ही है, तो किसको कौन रोकेगा? मेरा ये मानना है कि फिर से इस देश में आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए ताकि ये भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। हाँ। मेरी इसके अलावा मेरी समझ में नहीं आता। नीचे से ऊपर तक, मंत्री से लेकर के इंस्पेक्टर तक और गांव तक, ये भ्रष्टाचार का रोग फैला हुआ है, इसके खिलाफ लोगों को गोलबंद होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी सुरक्षा पर भी ध्यान रखते थे कि हम इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा साथ कोई नहीं दे रहा, हम अकेले जा रहे हैं, हमारी सुरक्षा पे बात बन जाती, क्योंकि कानून व्यवस्था जो तारतार है उसको लेकर हर कोई डर रहा है, इसलिए अपने अधिकार के प्रति कोई सजग तो है लेकिन हिम्मत नहीं उठा पा रहा। आप एक अधिकारी रहे हैं, एक अधिकारी के स्तर पर किस तरीके की पहल करनी चाहिए, सक्रियता दिखानी चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरीके के मामलों में अधिकारी ही संलिप्त पाए जाते हैं? देखिए, अधिकारी के स्तर पर निश्चित रूप से जहां जहां अच्छे अधिकारी हैं वो बदलाव का प्रयास करते हैं, लेकिन अच्छे अधिकारियों की दिक्कत यह है कि ये सरकारें अच्छे अधिकारियों को, आपने देखा होगा कि 3 महीने से लेकर 6 महीने तक तबादला कर देते हैं। तो ये जब तक इस तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस रहेगी तब तक व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता। तो अधिकारियों को, अधिकारी तो टूल्स है ना, अच्छे अधिकारियों को ये रखते नहीं, उनका इधर से उधर तबादला कराए देते हैं, जैसे बदमाशों के खिलाफ या ब्लैक में पीडीएस का अनाज बेच देते हैं, मिड डे मील का बेच देते हैं, यानी बड़ी पैमाने पर बंदरबाट भी होती है, मिली भगत भी होती है, और अधिकारी जाए तो कहां जाए, उसको पता है कि उसका ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन करे तो क्या करे, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में आम आदमी से उम्मीद है जो इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ के दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपना अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं कि किस तरीके की दिक्कतें आपको पेश आ रही हैं और क्या वाकई वहां पर अधिकारी सियासतदान सजग है आपके अधिकारों को लेके? हेलो गौरव, आपको आवाज मिल रही है? जी हम ये जानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं आपसे कि हमारे यहाँ पे ये जो कोटेदार हैं, इनसे अगर इस सिस्टम के बारे में जानकारी लेते तो बोलते हैं ऊपर तक हमारे लिए देना पड़ता है पैसा, इसलिए हम तो दे ही नहीं सकते, बोलते हैं अगर जानकारी चाहिए तो ऊपर जाके बात करो। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अब हम बात कर लेते हैं पीटर नगरी मुरादाबाद की। कमोबेश उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में यही हाल है। उम्मीद अब सरकार से की जा रही है जो भ्रष्टाचार पर सख्ती की बात तो करती है, लेकिन वाकई इसका असर देखने को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि चुनावी साल है और ये कह सकते हैं 2012 के लिए अखिलेश सरकार की एक अग्नि परीक्षा होगी। कल फिर हाजिर होंगे आपकी आवाज लेकर, लेकिन जाते जाते इसी मुद्दे पर मुरादाबाद के दर्शकों का क्या कहना है उनकी आप बीती भी सुन लेते हैं। उन राशन कार्डों के आधार पर राशन तो ज्यादा लेते हैं लेकिन उसको ब्लैक कर देते हैं। सही मायने में जो राशन लेने के हकदार हैं उन लोगों को राशन नहीं मिल पाता। उनमें से ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ राशन कार्ड बनवाने के लिए ही कई कई महीने तक घूमते रहते। सरकार सिर्फ राशन डीलरों को नियुक्त करती है लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया पूरी तरीके से राशन डीलरों के हाथ में रहती है और इस पर लगाम तभी लगाई जा सकती है जब इस पूरे सिस्टम को मैनुअल की बजाय ऑनलाइन किया जाए। उस सस्ते राशन की जहां तक आपने बात की है तो मैं नहीं समझता कि उनके लिए वो पर्याप्त होगा या किसी सूरत में अधिकतम लोग जाते नहीं है और उन आईडीज का फायदा या उस राशन का फायदा या तो राशन डीलर उठा लेता है या अन्य लोग उसमें डबल करके अपना फायदा उठा लेते हैं। दो हजार चौदह की टक्कर, दिल्ली पर पहली नजर, सबसे बड़ा फैसला लखनऊ से लाल किला, यूपी डिसाइड 2014, रोज रात 8:30 सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश अपना देश। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग, दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर, देखिए द वर्ल्ड टुनाइट रोज रात 11:30 सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। दिन भर की हर हलचल सिर्फ 25 मिनट में, सियासत और समाज का हर अंदाज सिर्फ 25 खबरों में, खेल और खिलाड़ी की खबर, विदेश और व्यापार पर भी नजर, देखिए 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक है गुड नाइट एडवांस लो स्मोक कॉइल। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ रफ्तार का सफर, हर धारदार खबर देखिए नॉन स्टॉप इंडिया सुबह 10:30 दोपहर 3:00 और रात 8:00 सिर्फ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक है फॉर्च्यून बेसिन, हर दिल में हर घर में के आई वायोजन केबल्स, महिंद्रा सेंच्यूरो, इट्स ग्रेट टू बी मी। नमस्कार, नॉन स्टॉप इंडिया में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। नॉन स्टॉप इंडिया की शुरुआत करें लेकिन उसके पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की दबंगई की किससे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। औरैया की टोल प्लाजा में मारपीट की घटना को लेकर सियासी हंगामा अभी थमा भी नहीं था कि कानपुर के 12 जोर टोल प्लाजा पर भी समाजवादी पार्टी के नेता की गुंडागर्दी सामने आई है। यहां लोहिया वाहिनी के कानपुर देहात जिले के अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव फौजी की दबंगई देखने को मिली है। दरअसल नेताजी कार से टोल प्लाजा पहुंचे, यहां टोल कैशियर ने उनसे पैसे मांगे जिसके बाद नेताजी को गुस्सा आ गया और फिर नेताजी के एक इशारे पर जो हुआ वो आपके सामने है। टोल प्लाजा के कर्मचारियों के मुताबिक यहां हंगामा देखकर जब चौकी इंचार्ज पहुंचे तो सत्ता के नशे में चूर नेताजी ने उन्हें भी धक्का देकर भगा दिया। टोल प्लाजा कर्मचारियों ने पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई लेकिन अभी भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत नहीं दिखाई। जब तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं
उसके बाद भी क्यों नहीं हिम्मत दिखाई गई पुलिस की ओर से FIR दर्ज करने की? आखिर इन लोगों की क्या गलती है? क्योंकि टोल प्लाजा पर जिस तरीके से और योगेंद्र इस वक्त जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ, योगेंद्र आखिर क्यों नहीं FIR दर्ज की गई? क्या पुलिस को भी डर लग रहा है? जी श्वेता, की कोई पहली बार नहीं, इस तरीके की घटनाएं आमतौर पर हमेशा देखने को मिलती हैं। अगर रोजाना यहाँ खड़े हों हम तो रोज कम से कम 100 नेता ऐसे निकलते हैं जो मारपीट करते हैं, बसरते ये कुछ मामले ऐसे हैं जो भी सीसीटीवी फुटेज में आते हैं। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस का रवैया यहाँ बिल्कुल इसी तरह से, आज कम से कम करीब 100 से 150 मामले ऐसे हैं जिनकी एप्लीकेशन पुलिस के पास पड़ी है, लेकिन फिर भी पुलिस ने